सबको नमस्ते और खुलुम खा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले नया वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम त्रिपुरा मिलिट्री के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर दौरान ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट में थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर घोषणा के समय त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर बिक्रम न्यूयॉर्क में थे। वहां से उन्होंने अपनी सेल्फ सर्विस भारत के वाइस रॉय को और राज्य की सारी संपत्ति ब्रिटिश एम्परर और संप्रभु सम्राट को ग्रेट वॉर के सफल समापन की प्रत्याशा में सौंपती। लॉस एंजल्स से रेडियो कैलिफोर्निया पर एक रेडियो संबोधन में उन्होंने फिर से ब्रिटिश सैनिकों की जीत की कामना की। उनके भाषण को अमेरिकी प्रेस ने विशेष रूप से सराहना किया। महाराजा वीर विक्रम 25 जनवरी 1940 को अपना विश्व भ्रमण पूरा कर अगरतला लौट आए, लेकिन मई 1939 को यात्रा से ठीक पहले उन्होंने ग्रेट वॉर के दौरान यूरोप में उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करने के लिए अपने राज्य में एक वॉर कमेटी का गठन किया था। इसकी मदद के लिए आदित्य किशोर देव वर्मा, हेमंत किशोर देव वर्मा, रामेंद्र किशोर देव वर्मा, राणा दलजंग बहादुर, उजीर कमल कृष्ण ठाकुर, हिरण कुमार देव वर्मा, ठाकुर जोगेंद्र देव वर्मा और अनिल कुमार सेन के अध्यक्ष के रूप में एक युद्ध समिति का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1940 को एक आदेश द्वारा त्रिपुरा में सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक अन्य आदेश डेटेड 18 मार्च 1349 ट्रिंग द्वारा फरवरी 1940 के अनुरूप सामान्य मूल्य वृद्धि के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया था और युद्ध के बारे में सभी को सूचित करने के लिए और वॉर फंड को दिए जाने वाले दान को इकट्ठा करने के लिए भी बनाया गया था। उसी वर्ष में महाराजा वीर विक्रम ने वॉर फंड में 1,78,755 रुपए की अमाउंट डोनेट की थी। 1941 में त्रिपुरा में एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई। महाराजा वीर विक्रम ने लोगों को अपने मैसेज में त्रिपुरा की स्थिति और वॉर में ग्रेट ब्रिटेन की सहायता के लिए जोरदार गतिविधियों के लिए लोगों की पूरी शक्ति को बुलाने की दृष्टि से उसके रवैये के बारे में बताया। इंडियन स्टेट फोर्सेस की त्रिपुरा स्टेट फोर्स यूनिट त्रिपुरा के बाहर वॉर ड्यूटी पर आगे बढ़ी और ऑपरेशन में भाग ले रही थी। इसके रेनफोर्समेंट के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था और पूरी ताकत से बनाए रखा गया था। और ऑपरेशन में भाग लेने वाले एक इरेगुलर फोर्स के अलावा और पूरी तरह से ट्रेनेड एक गैरिसन कंपनी त्रिपुरा राज्य के बाहर ड्यूटी पर थी। एक्टिव सर्विस पर त्रिपुरा स्टेट फोर्सेस पूरी तैयारी से बनाए हुए थे। इंटरनल सिक्योरिटी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त ताकत के एक मिलिशिया का अरेंजमेंट किया गया और आर्म्ड पुलिस ने अतिरिक्त ताकत और बेहतर इक्विपमेंट के साथ इम्प्रूव किया, जबकि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के साथ रिक्रूटिंग को स्ट्रिक्टली से आगे बढ़ाया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महाराजा वीर विक्रम ने दक्षिण भारतीय रियासतों का दौरा किया और राज्य में आए। दक्कन से अगरतला लौटने के बाद महाराजा वीर विक्रम ने राज परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचा। त्रिपुरा राज परिवार की अधिकांश महिलाओं और बच्चों को मध्य प्रदेश के पन्ना और महाराष्ट्र के बरिया में भेजा गया था। 1941 में महाराजा वीर विक्रम ने फिर से 2,16,716 रुपए की अमाउंट वॉर फंड में डोनेट की थी। वर्ष 1941-42 में जापानी विमानों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बमबारी की। जापान के खिलाफ वॉर की डिक्लेरेशन की गई। 28 जनवरी 1942 को रंगून पर जापानी हवाई हमला शुरू हुआ। अगरतला एयरपोर्ट पर जापानी हवाई हमला 20 नवंबर 1943 को हुआ था। अगरतला बन गया एक वास्तविक वॉर फील्ड। सैकड़ों ब्रिटिश, इंडियन और नेग्रो सैनिकों ने अगरतला में और उसके आसपास डेरा डाला। महाराजा वीर विक्रम द्वारा त्रिपुरा सैनिकों को जापानीज की जांच में ब्रिटिश भारतीय सैनिकों का सहयोग करने के लिए चिट्टागंग हिल ट्रैक, अरकान और बर्मा भेजा गया था। 1942 के जून को महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य रक्षा वाहिनी, चौदह देवता दल, पल्ली रक्षा समिति, पल्ली रक्षा दल का ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे बढ़े। इन सभी होम गार्ड्स और विलेज गार्ड्स की हर गांव में अपनी यूनिट्स थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान त्रिपुरा राज्य में सड़क निर्माण जबरदस्त गति से चल रहा था। 1942 में कोमिला सोनामुरा अगरतला सड़क में काफी इम्प्रूव किया गया था। अगरतला फाटिकछारा सिमना सड़क, अगरतला से अगरतला आयरफील्ड सड़क को भी 1942 में इम्प्रूव किया गया था।
लैंड एक्विजिशन युद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाना था। टेलीफोन लाइनों को अगरतला तक बढ़ा दिया गया था। अगस्त 1942 में महाराजा वीर विक्रम को हिज मेजेस्टी ब्रिटिश एम्परर की रेगुलर आर्मी में मेजर के होनोरारी पद पर प्रमोट किया गया था। हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे त्रिपुरा माणिक्य राइफल्स ने जापानी सैनिकों को हरा दिया और त्रिपुरा वापस आया। तब तक के लिए थैंक यू।